अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा, खोए वाला। कैसे हम घर में आसानी से तैयार करेंगे, इतना मज़ेदार कि जिस तरह बाज़ार में होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि मैंने ये हलवा कैसे बनाया। गाजर का ज़बरदस्त हलवा बनाने के लिए गाजरें हमने ले ली है 2 kg, और इसको मैंने छीलने से पहले भी धोया है और छीलने के बाद भी हमने धो लिया है। तो इस स्टेज पे हम इसको कर लेते हैं कद्दूकश। इस तरह हैंडल करें गाजर को, इस तरफ से मोटी साइड से कश करना तो इजी होता है, इस तरह कश करना। तो इस तरह करके हम अपनी सारी गाजरें कश कर लेते हैं। वो जो कहते हैं कि भाई वैसे ही आप कट करके और उनको मैश कर लें, गाजर तो बन जाती है, मगर ये है कि उसकी लुक अच्छी भी नहीं आती और खाने में भी अच्छा नहीं लगता, अजीब सा ही कुछ बना हुआ सामने आ जाता है। तो जहाँ गाजरों के हलवे की बात आए तो इस तरह कश करना, थोड़ी सी मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम गाजर का हलवा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छा होगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह करते करते हम अपनी सारी गाजरें कद्दूकश कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, गाजरें कद्दूकश हो गई हैं। तो चले पकाने वाला काम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर, तो गाजरें जितनी भी हमारी कद्दूकश की हुई हैं तो कर देते हैं इस पर ट्रांसफ़र सारी की सारी एक ही टाइम में। तो गाजरें ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें कितना पानी मैंने डालना है तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाजरों को कढ़ाई में डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 ग्लास पानी। तो इसको बॉयल आने का वेट करती हूँ मैं। जैसे ही इसका बॉयल आता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाजर के पानी में बॉयल अच्छा सा आ गया है, तो बस हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप देना है। गाजरें अपना पानी भी छोड़ेंगी और इसी पानी में और अपने पानी में ये इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट में गल जाएंगी। तो इसको छोड़ देती हूँ मैं 10 से 12 मिनट तक ढांप के लो फ्लेम पे। तो दिखाती हूँ मैं आपको, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो चेक कर लेते हैं गाजरों को, माशाल्लाह पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है और गाजरें देखें कि उन्होंने अपना पानी छोड़ के और कितनी कम हो गई हैं, पहले कितनी ज़्यादा लग रही थी। तो इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं चीनी 1 कप भर के, चीनी ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। अब चीनी अपना पानी फिर से छोड़ेगी, हमने इसको मिक्स करना है और अब हम मुसलसल इसको चलाते रहेंगे। चीनी अपना पानी ख़त्म करेगी तो फिर हम घी वगैरह और दूसरी जो चीज़ें हैं वो डालते हैं। चीनी का पानी चाय तकरीबन हो गया है, तो इसी स्टेज पे मैंने 4 से 5 अदद इलायची खोल के ये डाल दी है, और जायफल का पीस मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके, और इसी में जलवित्री का इतना सा फूल ये भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये कुछ इतना सा ये डाल देते हैं, इसी से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और असल जो बाज़ार जैसा टेस्ट और खुशबू आती है वो इसमें खुशबू और स्पाइस यही जाते हैं। तो फिर से इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ, और इसी स्टेज पे हम अपना घी ऐड करते हैं। घी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस वक्त इसमें देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों की सौगात है। तो मैं इसमें तकरीबन सर्विंग स्पून भर के ये डाल दिया मैंने इसमें। तो जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से एक तो घी का थोड़ा कच्चापन भी चला जाएगा और जो हमारी खुशबुएं हैं वो भी आपस में बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे तो गाजर का हलवा हमारा शानदार सा रेडी हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हम इसमें खोया ऐड करेंगे, क्योंकि खोया ऐड करने का तरीका भी यही है, आप पकते हुए में या भूनते हुए में खोया नहीं डाल सकते, वो सारा मिक्स हो जाता है, ना उसका जायका होता है और ना ही दिखने में वो अच्छा लगता है। तो तकरीबन हलवा हमारा हो गया रेडी, तो करते हैं इसको डिश आउट। तो मैं दिखाती हूँ कि खोया हम कब और कैसे इसमें ऐड करेंगे। हलवा हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं हमने करना, तो इसी स्टेज पे तकरीबन 1 पाव के करीब मैं खोया इसमें मिक्स कर देती हूँ और बाकी थोड़ा सा हम ऊपर गार्निश कर लेंगे। तो खोया आप हमेशा इसी तरह मिक्स करें, थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से बिल्कुल ही यकजान नहीं होना चाहिए, तो दरदरा सा हमें नज़र आना चाहिए हमारा हलवे में खोया। तो इस तरह करके मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ दरदरा सा।
खोया मिक्स हो जाने के बाद हलवे की शक्ल हमारी कुछ इस तरह सी हो गई है जैसे कि बाजार में होती है मिक्सी। तो चले मैं कर लेती हूँ इसको प्लेट में डिश आउट। बाकी का खोया जो मैंने बचाया था तो उसको मैं इस तरह ऊपर गार्निश कर देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा और डेफिनेट के खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा आज का गाजर का हलवा जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बिल्कुल बाजार के जैसा खुशबूदार और गुड लुकिंग खोए वाला हलवा आप कैसे बना सकते हैं गाजर का और उसको किस तरह सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा आज का तरीका आपको पसंद आएगा, आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।